हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज के जो वीडियो है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, आपके पास अगर गेमिंग चैनल है, आप गेमिंग क्रिएटर है, यूट्यूब पे गेम के वीडियो बनाते हैं, लाइक फ्री फायर बहुत मशहूर अब एक गेम है इस टाइम पे, तो आप अगर फ्री फायर के गेम खेलते हैं उसका वीडियो बनाते हैं, आपको व्यूज नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं, चैनल की ग्रोथिंग नहीं हो रहे, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो में मैं आपको 100% कुछ ऐसी बात बताऊंगा, मेरे 4 साल के YouTube करियर पे मैंने रियलाइज की है, और ये चैनल पर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, जो भी है ऑनेस्टली बताता हूँ। तो वो कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, आपको सुननी चाहिए। आप लाखों वीडियो देख लो लेकिन कोई नहीं अपना दिल की बात बताते हैं, जो खुद रियलाइज करते हैं वो कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि वो राज है, खुद की राज है। और मैंने सोचा ये राज क्यों ना लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज मैंने कुछ ऐसे टिप्स गेमिंग चैनल के लिए बताऊंगा जो आपके चैनल 100% ग्रोइंग में मदद करेगा। तो चलिए फिलहाल बिना वक्त वाई वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले बता दूं भाई, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्क टेक्नोलॉजी। मैं जितने भी बात बताऊंगा सारे के सारे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना एंड ध्यान से सुनना। देखिए, पहली चीज, सबसे पहले आप अगर कोई भी गेमिंग चैनल बना रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है एक कैटेगरी के गेमिंग करने को, एक कैटेगरी। लाइक अगर आप पबजी खेल रहे हैं, पबजी आपको पसंद है, बहुत अच्छे खेल सकते हैं आप, तो आप पबजी में चैनल कीजिए, ना कि कोई दूसरा गेम उसके अंदर छोड़ दिए, GTA 5 हो गए। तो आप बस एक गेम कीजिए, पबजी, फ्री फायर, GTA 5 अलग कीजिए, जो भी है एक तरीके का कंटेंट कीजिए, मतलब आपको जो गेम खेलना अच्छा आता है वही आप दिखाइए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले ये रियलाइज़ कीजिए। देखिए, जितने भी लोग, आप मानो आप एक फ्री फायर के वीडियो छोड़े हो, उसके ऊपर 1000 व्यू आए हैं, उसमें से 100 सब्सक्राइब किए हैं, तो 100 लोग फ्री फायर को ही पसंद करते हैं, ना कि GTA 5 को। आप अगर दिन ब दिन ऐसे रूटीन को ऐसे दूर फेंकते जाएंगे, कोई भी मतलब रूल्स नहीं बनाएंगे, एक लाइन पे नहीं चलेंगे, तो लोग आपसे भाग जाएंगे। आपको क्यों ना लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन वो कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि आप वीडियो छोड़ेंगे लेकिन वही 30-35 व्यू आएंगे। अगर आप एक कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे, लाइक एक ही गेम के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें से जितने भी सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे वो जेन्युइन है, एक्टिव है, वो लोग आपके गेम प्ले को पसंद करते हैं, वो लोग वो गेम को पसंद करते हैं, इसी वजह से वो लोग उसको सब्सक्राइब किए हैं। अब मैंने बता दिया यहाँ पर क्यों आपको एक कैटेगरी के टॉपिक चूज करना है। अब दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दूसरा चीज़ कुछ ऐसा है, लाइक आपके पास एक फ्री फायर के चैनल है, आपने बहुत सारा वीडियो बनाया है उसके अंदर, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने वहाँ पर एक वीडियो छोड़े है किलिंग मोंटेज, यानी आप अच्छे तरीके से वहाँ पर किल करके कुछ ऐसे वीडियो बनाए, शॉर्ट किल के मोंटेज बनाया है। दूसरा एक वीडियो छोड़ा वही चैनल पर कि फ्री फायर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, गेम के अंदर लेटेस्ट अपडेट क्या आने वाले हैं। तीसरा और एक वीडियो छोड़ा जहाँ पर आपने दिखाया कि फ्री फायर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, सेटिंग्स कुछ ऐसे दिखाए। ठीक है, मैं मानता हूँ अपने फ्री फायर के अंदर एक कैटेगरी के अंदर 3 टाइप के वीडियो छोड़े हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, यूट्यूब के एल्गोरिथम सिस्टम कुछ ऐसा है, अगर आप एक लाइन पर चलेंगे, लाइक आप अगर किलिंग मोंटेज के चैनल बना रहे हैं तो उस पर अगर किलिंग मोंटेज छोड़ेंगे तो वो लोग आपके वीडियो सजेस्टेड में दिखाएंगे, यूट्यूब सजेस्टेड, यानी जो वीडियो प्ले होंगे उसके बगल में आपके नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आप दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं ना, वो कभी नहीं दिखाएंगे। तो यूट्यूब के रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली कुछ काम करना है तो मैं आपको बताऊंगा, आप एक कैटेगरी, एक टॉपिक चूज कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान में ले लीजिए कि आपको अच्छे तरीके से गेम खेलना आता है, या फिर अच्छे अच्छे न्यूज़ कलेक्ट करना आता है, या फिर आपको अच्छे रिएक्शन देने के साथ साथ लाइव स्ट्रीम करना आता है, या फिर आपको नए कोई अपडेट के बारे में बताना अच्छा लगता है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको क्या आते हैं, उसके बाद आप चैनल खोलिए, काम कीजिए। मैंने आपको बताया 2 तरीका है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पहला टॉपिक चूज करना है, उसके बाद कैटेगरी एक ही रखना है, एक टाइप के कैटेगरी के वीडियो डालो, आपके चैनल लिख के लो आप
दौड़ेंगे भाई। और मैंने देखा है नए क्रिएटर्स जो है, नए नए वीडियो जो बनाते हैं, उनके लिए सबसे बेकार की चीज़ क्या है पता है? सबसे बेकार की चीज़ ये है, वो लोग एक हफ्ते में 3 दिन लगातार अपलोड कर दिए वीडियो। सही है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे तरीके से बेटा काम कर रहा है, लेकिन 3 दिन अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया, 4th दिन वाजू में मेला चल रहा है वहाँ पे जाके घूम के आया, ओ अपलोड करने की बात याद ही नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे बना दी गई है। यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके ऑडियंस जितने भी है उसको एक्टिव रखने के लिए आपको जेन्युइनली हर टाइम एक टाइम सेट करके उस टाइम को हर दिन 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस रूटीन के साथ काम करना है। अगर आप रूटीन मेंटेन करोगे तो आपको चैनल यूट्यूब ग्रो करके देगा, अगर आप नहीं करोगे तो यूट्यूब आपको चैनल छोड़ देगा, छोड़ के बोलेगा भाई तू कुछ कर ले जाके, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज की तारीख में पेड़ से भी ज़्यादा भूत है, समझ रहे हो? तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सारे के सारे क्रिएटर हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप सचमुच अगर कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रूटीन मेंटेन कीजिए। आप चाहे भला एक दिन में एक वीडियो ना हो, आप हफ्ते में एक वीडियो पब्लिश कीजिए, लेकिन उसी दिन हफ्ते में वीडियो पब्लिश कीजिए, 2 दिन बाद पब्लिश कीजिए, 3 दिन बाद पब्लिश कीजिए, आपको जहाँ मतलब जब फुर्सत मिले तभी पब्लिश कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन रूटीन को ज़रूर मेंटेन कीजिए, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। लोग समझते हैं कि भाई वीडियो छोड़ के वायरल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रूटीन को मेंटेन करना ही है। अगर आप सचमुच Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. Successful creator बनना चाहते हैं तो, और मैंने खुद realize की है मेरे चैनल के ऊपर, मैंने खुद ये realize करके देखे हैं, ऑडियंस जो होते हैं यानी लोग जो होते हैं उनको आपको ऐसे नज़र से देखना चाहिए कि वो किस तरीके से YouTube को देखता है। इसका मतलब ये है, आपको ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए, ऐसा वीडियो बनाना चाहिए लोगों को, वो वीडियो देखने के बाद भी कुछ तड़पती रह जाए वो लोग, मतलब अंदर ही अंदर कुछ सूखा सूखा रह जाए, वो नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करें। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आप कुछ बता सकते हो कि हमने आपको 100 डायमंड देने वाले या फिर 100 रुपया देने वाले नेक्स्ट वीडियो में, या फिर ये जो टिप्स है मैंने बताया, ये जो तरीका मैंने बताया, इससे भी बड़े तरीका है जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। लोगों को ये बताना है भाई, अगर नहीं बताओगे, लोग अगर नहीं आएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो आप क्या ग्रो करेंगे भाई? तो सबसे पहले आपको पहचान, मतलब खुद की पहचान बनाना है, अच्छे तरीके से कंटेंट बनाना है, लोगों की एक अंदर ही अंदर प्यास रखना है ताकि वो लोग आए आपके वीडियो देखें। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, दूसरे की वीडियो ले आते हैं, आके रिएक्शन देते हैं, वो चैनल का ग्रोथिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर जिसका वो कंटेंट है, जो ओरिजिनल क्रिएटर है, उसका रिएक्शन भला ही आप क्यों ना दो, जो ओरिजिनल क्रिएटर है अगर उसको बुरा लगे या फिर वो चाहे तो आपके चैनल कभी भी बंद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए लॉन्ग टाइम कोई इनकम सोर्स नहीं है, सक्सेस की कोई मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, तो ऐसा मत करो, अपने टाइम को अच्छे तरीके से लगाओ। अब जो टाइम है वो टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड करो, वो जो टाइम आप दूसरे के कंटेंट पे रिएक्शन दे रहे हो, वो टाइम खुद के कंटेंट बना के ऐसे छोड़ो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ऐसा बनाओ कि आपको लोग ढूंढ कर रिएक्शन दे, ना कि आप लोगों के ऊपर रिएक्शन दे, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था, कि आप ऐसा क्रिएटर बनो कि लोग आपको ढूंढे, लोग आपको देखने के लिए तड़पती रह जाए, ऐसा क्रिएटर बनो। ये कुछ बात थी जो जज्बात कह सकते हैं, या फिर जो सबसे बेहतरीन टिप्स कह सकते हैं। इससे भी बढ़िया एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी बढ़िया और एक चीज़ है जो है थंबनेल। अगर आपके वीडियो कितने भी भले ना हो, मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं मान लिया आपके वीडियो मतलब लाजवाब है, देखकर ही लोग प्यार में खो जाएंगे, लेकिन आपके थंबनेल पे कुछ भी नहीं है, यानी वीडियो के ऊपर जो फोटो चिपकाते हो उसमें कुछ भी नहीं है, तो जितने अच्छे आपका कंटेंट है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, जितने अच्छे आपका वीडियो है उससे मतलब 50 गुना अच्छा आपका थंबनेल होना चाहिए। यार हाँ, थंबनेल के अंदर कुछ ऐसी रखो कि देखने वालों की नज़र में कोई तकलीफ ना हो, मतलब एक सुंदर, ऐसा घिसा पिटा सा ऐसा नहीं, अच्छा सा थंबनेल बनाओ, सुंदर
बस सिंपल सा, लेकिन उसके अंदर अलग सा लुक होना चाहिए एंड रेजुलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बस इतना ही आप मेंटेन करो, उसके बाद मैं आपको और भी कुछ टिप्स दूंगा जो मैं खुद अभी लिख रहा हूँ अपने डायरी में एक एक करके, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है बंदे में कुछ सच्चाई है, सच्ची में कुछ बता रहे हैं हमारे काम के हैं, तो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई बस ऐसे ही, तो मत कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके दिल कर रहे हैं तो कीजिए। तो गाइस इतना ही मैं आपको बताने वाला था, ग्रो कीजिए चैनल, मुझे बताइए, खुशी होगी बेहद। एंड सवाल है किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की कमेंट पे बताइए, मैं उस तौर पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप सारे लोग बेहद खुश रहिए एंड साथ ही साथ अपने फैमिली का अच्छे तरीके से ध्यान रखिए।